पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर माहौल है, पब्लिक को बदलाव की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि वो पिछले कई बार से देख रहे हैं कि लोग आते हैं चुनावी वायदे करते हैं, पूरे होता नहीं है कुछ भी, तो वो बेचारे ठगे से रह जाते हैं हर बार। तो इस बार उम्मीद है उन्होंने मुझे भी मौका दे रहे हैं, कुछ बदलाव होगा और वो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरूँ। अच्छा, क्योंकि फ़ाइट के लिए बहुत सारे लोग चुनावी मैदान में, भाई चुनावी दंगल है, सारे पहलवान अपनी तैयारी करके आए हुए हैं, देखें किसके पास क्या दाव है, कौन कितनी ताकत रखाता है, उछलता जीतेगा ही, लड़ेंगे बहुत सारे। तो क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं आप? बिल्कुल, सबसे मुलाकातें हो रही हैं और बहुत मोहब्बत मिल रही है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सर पर हाथ रख रहे हैं, जो साथ हैं वो कंधे से कंधा मिला रहे हैं, बच्चे भी बड़ी मोहब्बत से पेश आके और वो नारे लगा रहे हैं, तो इससे बड़े दिल को खुशी होती है कि लोगों में मोहब्बत है। क्या कहना चाहेंगे उन क्षेत्र के लोगों के लिए जो आपके वोटर थे उनके लिए? भाई मैं तो उनसे दुआओं की दरख्वास्त करी है कि भाई मेरे लिए जो भी बेहतर कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि उसका मैं कुछ, मेरे हाथ मजबूत होंगे तो मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँगा, उसका सिला दे पाऊँगा। आगामी क्योंकि चुनाव है तो कोई बड़ी जनसभाएं भी तो करने की तैयारी है? जाहिर सी बात है, बड़े नेता आ रहे हैं, असद भाई आने वाले हैं जल्दी, तो उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होनी है, तो अब उसका शेड्यूल सेट कर रहे हैं और जल्दी उनको यहाँ पर शहर के अलग अलग एरियाओं में लेके जाएंगे और मीटिंग्स करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।